यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बाचर की दादरी की, जहां पर गांव हड़ौदी के सरपंच को ग्रामीणों ने अंतिम विदाई दी। बता दें कि शराब ठेकेदार की गाड़ी लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पीछा करने के दौरान सरपंच की हत्या कर दी थी और वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं दो आरोपी फरार हैं, जिसके लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन भी किया है। पुलिस की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि बदमाशों से वारदात में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। गाड़ी में हथियार और मोबाइल भी मिले हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि बदमाशों ने भिवारी में दादरी रोड पर एक तेल मिल को लूटने का प्रयास किया था, जो कि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों ने मृतक सरपंच को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। पड़ोस गांव में से एक गाड़ी उठा ली और अनिल भी उनके साथ ही था। वह 7 जने कहीं काम से गए हुए थे और 2 गाड़ी लेकर गए थे, तो एक में 3 बंदे थे। 3 बंदों वाले एक गाड़ी क्रेटा थी, वो उनने पिस्टल लगाकर खोस ली। तीसरी फेर गोली चलाई, एक पंडित जी एक लड़का हमारे साथ और था, हम 4 बंदे थे। उसने एक पत्थर बगाया, तब उसने थोड़ा वो हो गया बीच में, जब मैंने उसे पकड़ लिया और बची खुची गोली जमीन में फायर हो गई। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। हमारे युवा साथी, हमारे गांव के सरपंच बहुत ही साहसी, बहुत ही निडर, हमेशा गाँव के दुख सुख में साथ और काम आने वाले, हमेशा गाँव के लोगों की समस्याओं को उठाने वाले निडर साथी। इन्होंने कुछ लुटेरों को रोकने की, उस लूट के प्रयास को रोकने की कोशिश की और उस दौरान उन्होंने अपनी शहादत दी